ओके। और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये जो सूट हो रही है ये मेरा मार्केट का सूट है। मार्केट मतलब मैं गई थी चाउमीन वाले भैया के शॉप पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा इनका लुक अच्छा लगा तो मैं चाउमीन उमीन मंचूरियन पिज्जा सबका फोटो पिक यानी ऊपर से थोड़ा डाल दीजिएगा भैया। कम 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 काहे दे रहे हैं, चीटिंग हो रहा है। या और मेरे में नहीं डाले, चलिए मेरे में डालिए। जिसमें डालना चाहिए उसमें नहीं डाले। तो गई, मैं गई थी मार्केट और मार्केट से अभी घर आ गई हूँ। बस मार्केट शॉपिंग करने नहीं गई थी, बच्चे के लिए चाउमीन लेने गई थी। आज डे संडे है तो बच्चे कुछ खोजते हैं इवनिंग के टाइम में, तो मैं बस वही चाउमीन लेने गई थी। और यहाँ पे देख सकते हो मैं भी थोड़ी सी लेकर बैठी हूँ, तो आ जाओ आप लोग भी चाउमीन खा लो। और अच्छा बनाता है ये चाउमीन, मतलब हमारे यहाँ का फेमस शॉप है, हमारे गया का इसका फेमस है। तो मैं जब भी जाती हूँ तो मंचूरियन एंड चाउमीन इसी के शॉप से लेती हूँ, और बहुत भीड़ सी रहती है। टेस्टी बनाता है ये। और बस चाय चढ़ाई हूँ अभी, संडे को काम में ही पूरे दिन निकल जाता है, कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ मैं। इतना काम होता है कि बहुत टाइम लगता है। तो चलिए गाइस मैं अब थोड़ी सी चाउमीन खा लूँ, उसके बाद आप लोग से बातें करूँगी। बातें में मैं बस अभी एक दो रिप्लाई का ही ब्लॉग बनाऊँगी, जो हमारे कमेंट आ रहे हैं उसका ही मतलब मैं रिप्लाई दूँगी। तो चलिए मैं खाना बोल रही हूँ सॉरी, कभी कभी बाई मिस्टेक हो जाता है ना, तो इस पर लोग कमेंट उड़ाते हैं। जो लैंग्वेज भी कभी बाई चांस होता है कि हमारा बात करने में कभी कभी होता है कि मिस्टेक से गलती हो जाता है, तो उस चीज़ पर प्लीज़ कमेंट ना उड़ाया कीजिए। हर इंसान से गलती होती है, तो मैं कोई महान नहीं हूँ, मैं तो इतना पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, खा लूँगी चाय पी लूँगी। उसके बाद कोई कमेंट्स आया है कि मेरे पति के साथ क्या हुआ था। न्यू सब्सक्राइबर हैं, बोल रहे हैं दी आपका ब्लॉग 4 दिन से मैं देख रही हूँ, और आपके पति के साथ क्या हुआ था। तो ये बहुत दुख भरी दर्द वाली कहानी है, बट मैं उनका रिप्लाई दूंगी। न्यू सब्सक्राइबर हैं जो बहुत लोग को कमेंट्स आता है, तो मैं आज उनका कन्फर्म करूँगी, ठीक है। तो मैं पहले चाउमीन खा लूँ, चाय पी लूँ, उसके बाद मिलती हूँ, ओके। तो गाइस मैं चाय बना ली हूँ, देख सकते हो यहाँ पे कप में चाय ले ली हूँ, और बच्चे चाउमीन खा के बाहर गए हुए हैं, अभी खेल रहे हैं। अब थोड़ी देर खेलने दूंगी, उसके बाद अंदर बुलाऊंगी पढ़ाई करवाने के लिए। तो अनिका देवी हैं सॉरी अगर थोड़ी सी नाम में मिस्टेक हो रही होगी तो प्लीज़, क्योंकि आजकल ना मेरे माइंड में बात कम याद रहती है, तो मैं आपका नाम पढ़ी थी बट ऐसे ही कुछ था, अगर गलत हुआ होगा तो सॉरी, ओके। तो आप पूछ रहे थे मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ था, क्या हुआ है दी आपको ब्लॉग, मैं 4 दिन से देख रही हूँ। तो हो सकता है वो ब्लॉग आप नहीं देखे हो, वो भी ब्लॉग बनाई हूँ मैं, बट पता है क्या, कंफर्म मैं खुद ही नहीं हूँ, तो कंफर्म नहीं बोलती हूँ कि किसने किया क्यों किया, बट यही था कि मेरे हस्बैंड के साथ मर्डर हुआ है। और आप सोचोगे कि मर्डर क्यों हुआ दी, तो मर्डर का रीज़न बाबू आज तक मुझे भी नहीं पता चला कि क्यों मर्डर हुआ है। बस यही जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ है। अच्छा खासा जिंदगी में आग लगाया गया है ना। नहीं जानती थी मैं भी कि आज मेरा लास्ट डे है, आज उनसे लास्ट बातें, लास्ट हरकतें, हर चीज है। नहीं जान रही थी बेटा, बिल्कुल नहीं जानती थी मैं। मुझे तो जब कॉल आया था ना कि एक्सीडेंट हो गया है, तो एक्सीडेंट तो नॉर्मल चीज है, रोड पे बंदा चल रहा है, गाड़ी से चल रहा है, कब किसको क्या हो जाएगा क्या पता। मैं भी यही धारणा रखी थी कि एक्सीडेंट का भी जब कॉल आया था ना, तो मुझे लगा था कि हाथ पैर टूट गए होंगे, सिर में चोट होगी, फट गई होगी, बट ऐसा रिस्पेक्ट नहीं की थी जैसा मेरे हस्बैंड के साथ हुआ था। मेरे हस्बैंड का ये जो पोर्शन होता है ना, ये साइड से पूरा सिर मतलब पत्थर से मार मार के ब्रेन वगैरह सारा बाहर निकाला हुआ था। अब किसने किया क्यों किया, अब तो मेरे माइंड में दो ही बात चलता है, दो ही ऑप्शन है, वो मैं शेयर करूं या नहीं करूं, लोगों को बुरा लगे, पर ये चीज़ है ना, सच है कड़वा है, पर यही दो चीज़ था। या तो प्रॉपर्टी को लेकर हुआ घर का मैटर,
और नहीं तो हमारे हस्बैंड फैक्ट्री खोले थे, वो किसी का दिल में चुभा, दो ही काम हुआ मेरे हस्बैंड के साथ, जो रीजन हो, बट ये दो ही रीजन है। मेरे हस्बैंड का किसी से दुश्मनी नहीं था, मेरा किसी से दुश्मनी नहीं था। मैं यहाँ नहीं रहती थी, मैं हरियाणा में रहती थी, गुड़गांव में। मेरे हस्बैंड वहाँ पे जॉब करते थे, मैं वहीं पे रहती थी और बहुत खुश रहती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब कभी किसी चीज़ का गम नहीं आया था मेरे सामने। पिछले लॉकडाउन में ना मेरे हस्बैंड की जॉब वहाँ से ख़त्म हो गई, कट हो गई। तो कट हो गई तो मेरे हस्बैंड प्लानिंग की है कि अब घर चलते हैं, उनके पापा बूढ़े हैं तो मतलब अकेले रहते थे, तो अकेले रहते हैं, बच्चे लोग के साथ रहेंगे तो उनका भी माइंड फ्रेश होगा, और घर है तो वहाँ पे मैं भी अब कुछ बिजनेस करूँगा। बट मुझे ये चीज़ मंजूर नहीं था। मैं अपने हस्बैंड से रोज़ बोलती थी, नहीं यहाँ नहीं रहो, मुझे अच्छा नहीं लगता है यहाँ का माहौल। पता नहीं क्यों उनको जाना था, क्या था, हर चीज़ मेरा मानते थे। अगर मैं बोलूँ ना, मैं प्यार से पाहुन बोलती थी अपने हस्बैंड को, तो पाहुन अभी सुबह है तो हाँ श्वेता सुबह है, पाहुन अभी रात है तो हाँ श्वेता रात है। ऐसे मानने वाले हस्बैंड मेरा बात नहीं ही माने। मुझे बोलते थे तुम बच्चे को स्टडी करवाने के लिए वहाँ रहो, और मैं जब भी छुट्टी मिलेगा तो मैं आऊँगा गुड़गांव, पर मैं उनके बिना नहीं रहती थी। बट आज रह रही हूँ, यही चीज़ फील होता है मुझे कि मैं कभी भी अकेले नहीं रही। एक दो दिन के लिए मायके भी चली जाती थी ना, फिर चली आती थी, मतलब ज़्यादा लंबा टाइम मैं कहीं उनको छोड़ के नहीं रही थी। आज पूरी जिंदगी छोड़ कर मुझे चले गए, मैं पूरा जिंदगी उनके बिना अकेले काटूंगी, उनके यादों के सहारे में काटूंगी। मुझे नहीं पता बाबू क्यों मारा गया। मेरे हस्बैंड घर से ब्रेकफास्ट किए हैं, ब्रेकफास्ट करके निकले हैं, अपने फैक्ट्री गए हैं, यहाँ पे काटी फैक्ट्री यानी कील, काटी तो समझते होगे, कील कील फैक्ट्री खोले थे, फैक्ट्री गए हैं, फैक्ट्री गए हैं। मैं बात की हूँ अपने हस्बैंड से, नॉर्मल थे, बात किए हैं। उसके बाद मैं जब कॉल की हूँ खाना खाने के लिए कि खाना खाने नहीं आओगे क्या, तो बोल रहे हैं बेटू नहीं कहीं बाहर निकलना है, मैं बाहर जाऊंगा। फिर उस चीज़ पे मैं रिपीट की हूँ, बाहर कहाँ जाना है, पर वो मुझसे झूठ बोले, दूसरा एरिया बताए थे मुझे, मुझे यहाँ जाना है। फिर उसके बाद मैं जब 4 बजे से कॉल कर रही हूँ, वो नहीं रिसीव किए। मैं सोची ड्राइविंग कर रहे होंगे, नहीं रिसीव कर रहे हैं, फिर मैं की नहीं रिसीव किए। उस बीच में मुझे गुस्सा सा भी आया कि अरे एक बार तो कॉल करके बताना चाहिए कि मैं कॉल कर रही हूँ, आप कहाँ हो, नहीं किए। पर मुझे नहीं पता था कि वो तो है ही नहीं इस दुनिया में, मुझे कॉल वापस क्या करेंगे। उसके बाद मेरा भाई मेरे पास आता है, बोला दी जीजू कहाँ है। बोले जीजू देखो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए। फिर उसके बाद हुआ कि उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो मैं सोची नॉर्मल एक्सीडेंट होता है, हो गया होगा, गिर उड़ गए होंगे। फिर उसके बाद जो लोगों का रिएक्शन देखी, मैं लोगों से पूछ रही हूँ कैसे हैं, कितना चोट इनको लगा है, सब अपना अपना गाड़ी निकाल के यहाँ से भाग रहा था, मुझे कोई कुछ नहीं बताता था। मैं भी जाने के लिए हर किसी के साथ रिपीट की, कोई मुझे नहीं लेकर गया। जब पता चला कि ये ठीक है, सांसें ले रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, तब मेरे लिए गाड़ी, ससुर जी और मैं और मेरी चाची और मेरा भाई रिजर्व हुआ। तो हम लोग पीछे से गए तो हस्बैंड को देख के बहुत खुशी हुई थी, बट सांसें बहुत तेज तेज ले रहे थे, पर मैं बहुत खुश हुई थी जब इनको देखी थी ना, बहुत खुश हुई थी। फिर सांसें तेज तेज ले रहे थे, मैं पूछी अपने भाई से कि जीजू इतने तेज सांस क्यों ले रहे हैं, तो वो बोला ऑक्सीजन लगा है ना इसलिए सांस तेज ले रहे हैं। तो मुझे नहीं पता था कि इंसान कैसे ऑक्सीजन में क्या नॉर्मल रहता है, कैसे सिचुएशन में कैसा रहता है, मुझे नहीं पता था। फिर उसके बाद मैं उनको देखी तो मुझे बहुत धाड़स मिला, मैं कभी भी ऐसा मतलब फील नहीं हुआ कि मुझे छोड़कर ये भाग जाएंगे। मुझे नहीं लगता था कि मुझे छोड़कर ये भाग जाएंगे, क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो यही है बाबू, मेरे आगे पीछे साजिश रचा गया था। ये जो चोट दिखता है ना मेरे चीक पे, ये भी मेरे चीक पे नहीं था, ये भी मुझे मारपीट करके ही किया गया। मेरे साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था, मुझे भी मारने का प्लानिंग किया गया था, बट मैं बच गई थी। मैं बदकिस्मत थी ना, मुझे देखना था ये सब चीज़ें, तो मैं बच गई थी, पर मेरे हस्बैंड नहीं बचे, वो दुनिया छोड़कर चले गए। तो मैं क्या मतलब मेरे माइंड में आज तक नहीं समझ में आता है कि क्यों हुआ, बट हाँ यही दो चीज़ घूमते रहती है मेरे माइंड में कि
क्योंकि दो चीज पे ही हॉबी थे, तो मेरे मन में यही चीज घूमते रहती है कि हो सकता है इसके वजह से, हो सकता है इसके वजह से। अब क्या रीजन है वो तो मुझे भी नहीं पता, क्यों मारा गया, किसके दुश्मन थे। किसी के दुश्मन नहीं थे, एक दो लोग थे अपने ही थे, वही दुश्मनी किए, और हो सकता है कि वही दुश्मनी का फायदा उठाए। लेकिन आज तक ना तो मुझे किसी से झगड़ा हुआ, नहीं किसी से बहस हुआ, किसी से कुछ ऐसा नहीं था। तो किसको मैं बदनाम करूं, और कोई तो दुश्मनी की है जो आज यहाँ से लाल हट गया। होता है ना, लोग कहता है कैसे रहती है, खुश रहती है, ऐसे रहती है। अरे कैसे लेडीज रहती है, जिस पे बीतता है ना उसको ही पता रहता है। जब कन्यादान होता है ना, तो माँ बाप हाथ हस्बैंड के हाथ में सौंप देते हैं, उसके हाथ में मेरा हाथ डाला जाता है। और जिसका उसका ना हाथ हो ना सास हो, तो लड़की कैसे रहती है वही लड़की जानती है। बट क्या, वो भी तो अपना निशानी मेरे ऊपर छोड़ कर गए हैं। वो दोनों को तो मुझे पालना है, वो दोनों को तो देखना है। तो इसीलिए मैं हिम्मत करती हूँ, इसीलिए धाड़स करती हूँ। अगर कुछ होगा तो नहीं, मुझे मुझे पता है कि कुछ नहीं होगा। हाँ मैं कमजोर हो जाऊंगी, मैं उठूंगी नहीं, पागल हो जाऊंगी, आई थिंक सो। मतलब माइंड तो डिस्टर्ब रहता ही है, जितने मतलब बातें पहले याद रहती थी या माइंड स्ट्रांग था, वो ऐसा तो है नहीं। बट हाँ, पागल नहीं हुई हूँ, मरी नहीं हूँ। हाँ पागल तो सिस्टर, हो सकता है कि मेरी बात आपको मतलब जो भी है पता चल गया होगा। और अगर मेरे बारे में कुछ जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और चलिए मैं यहीं पे मैं ख़त्म कर देती हूँ ब्लॉग, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ओके।